तो हम सब जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है। एक हिरण कश्यप नाम का राजा जो कि हरदोई राज्य का राजा था, वहाँ एक दैत्य था, वहाँ ब्रह्मा की उपासना करके वहाँ अमर का अमरता का वरदान पा जाता है। इसके बाद वहाँ सभी अपने राज्य वालों से अपनी उपासना करने को कहता है और सभी उसकी उपासना करते हैं। उसका पुत्र भी प्रहलाद जब उत्पन्न हुआ तो वहाँ विष्णु भगवान का बहुत बड़ा उपासक निकला और वहाँ उसे अपना उपासक करने के लिए कहा, पूजा करने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। वह उसको मारने के लिए अलग अलग तरीका अपनाने लगा, जैसे उन्हें कुल्हाड़ी से मरवाने लगा, खाई से फेंकवा दिया, पहाड़ से फेंक दिया, लेकिन वह तब पर भी नहीं मरी। और उनकी बहन होलिका, हिरण्यकश्यप दैत्य की बहन होलिका को वरदान था कि वह एक चादर ओढ़कर जब अग्नि में बैठ जाएंगी तो उनको अग्नि नहीं कुछ प्रभाव कर पाएगा। तो एक चालाकी से उन्होंने होलिका उनकी बहन को और बैठा दिया अग्नि पर प्रहलाद को गोद में लेकर। भगवान विष्णु की कृपा से जो चादर था वहाँ विष्णु के ऊपर आ गया और होलिका जलकर मर गई। और अगले दिन सभी हरदोई वासियों बहुत खुशी उल्लास से होली दिन मनाने लगे। इसलिए होली को हम सब आज मनाते हैं। जय।